आप तक अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के इल्म को पहुंचाने के लिए दावते खिताब देता हूं। इसी चक में पैदा होने वाले, इन्हीं गली बाजारों में अपना बचपना गुजारने वाले, आज अल्लाह ने उन्हें मसनद मोहम्मद अता कर दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लाह ने उनको प्यारे पैगम्बर का मिंबर अता कर दिया है, प्यारे पैगम्बर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुसल्ला अता कर दिया है। अब मैं बिना ताखीर खिताब के लिए दावत देता हूँ हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद सलमान महमूद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه। أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم। हर किस्म की हमदो सना तारीफात तस्बीहात अल्लाह जुल जलाले वल इकराम दे वास्ते, दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अक्दसो अज़हरो अल्लाह बाला दे हुन। मेरे मोहतरम काबिले कदर, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बुजुर्ग और मेरी पर्दा नशीन इस्लामी रूहानी माओ बहनों, दुआ है कि अल्लाह आज साडा मिल बैठना अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल फरमाए और जो मैं बयान करा तो साहबाब समात फरमाओ। अल्लाह शर्रा सदर दे नाल समझने तो बाद अमल दी तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक दा जो मुकाम तलावत कीता 26वां पारा सूरत दा नाम सूरा हुजरात, इस दी तीसरी आयत दा एक हिस्सा बयान कीता दे। दुआ है कि अल्लाह मैनू सही बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। इस आयते करीमा दे अंदर अल्लाह पाक ने एक जमात का नाम लिया तज़करा किया जे और उस जमात का अल्लाह ने इम्तिहान लिया, ते इम्तिहान अल्लाह ने कोई जाहरी नहीं लिया बल्कि बातनी इम्तिहान, दिल का इम्तिहान लिया भई इन्हां दे दिल किन्ने क कम्म दे ने,
वगरना कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने एक जगह ते भी बात फरमाई है कि इन्हां दे कान ने ये सुनदे नहीं, इन्हां दी अखां ने ये देखदे नहीं, इन्हां दे दिल ने ये सोचदे नहीं। कल अनाम बल हुम अज़ल, इन्हां लोगों का भी अल्लाह ने इम्तिहान लिया और इन्हां नूं तशबीह दित्ती है जानवरां दे नाल और तकीद लिया के बाद वादे फरमाया कि कल अनामी बल हुम अज़ल, कि जेड़े लोग दीन तो दूर ने ना, जेड़े कुरान नहीं सुनते, उन्होंने कुरान सुनना चंगा नहीं लगता, हदीस दिया बातें चंगिया नहीं लगदियां। सरवरे कायनात जी, ऐसे लोग कल अनाम बल हुम अज़ल, ये जानवर दे इक पासे बल्कि जानवरों तो भी गए गुजरे लोग ने कि जिन्हों के दिलों से कुरान असर नहीं करता। लेकिन इस जिस जमात का नाम लिया अल्लाह पाक ने कि उलाइक अल्लज़ीन इम्तहना अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, क्या पैगंबर मैं तेरे असहाब का इम्तिहान लिया और उन्हां दा इम्तिहान मैं कुछ जाहरी नहीं लिया कि उन्हां दे आमाल देखा, उन्हां दे सामने कोई पेपर शीट आवे, कोई आंसर शीट आवे, कोई क्वेश्चन शीट आवे, वो पेपर नूं हल करन ते फिर इम्तिहान लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं दिल का इम्तिहान लिया ते दिल दियां तहवां विच इन्हां दे मैं देखिया भी इन्हां दे दिलां दे अंदर किन्ना कोई ईमान। और इस तों बाद फिर अल्लाह पाक ने डिग्री दित्ती, लाहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, ऐ पैगंबर जेड़ी तू जमात तैयार की है सारी ऐसी जन्नती बना दिते ने, सारे आनू ऐसी मग़फ़िरत दा एक सर्टिफिकेट दे के ते सारे आनू जन्नत दा मालिक बना दिता। ये केड़ी जमात है? सहाबा दी जमात। अल्लाह तैयार किते हुए इन्हां ने निसाब केड़ा पढ़िया, केड़ा इन्हां ने किताबा पढ़िया के तू इन्हां दा इम्तिहान लिया। कुरान करीम ने सारी बात वजाहत दे नाल बयान की है, जेड़ी किताब पढ़िए ना नसाब जेड़ा। अल्लाह जल जलाले वाले कुरान फरमांदे ने वलकद आतैना कथबम मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम। अल्लाह फरमांदे वलकद आतैना कथबम मिनल मसानी, ऐ साडा नसाब सी। अल्लाह पढ़िया किथे? अल्लाह फरमाते ने इन्ना अव्वल बैतन बुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, फरमाया साडा स्कूल साडी अकैडमी साडा कॉलेज, इन्ना अव्वल बैतन बुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, फरमाया साडा स्कूल उसी जेड़ा सब तो पहला कर दुनिया ते अल्लाह ने बैतुल्ला नूं तमीर कर दिता जे ना उथे इन्हां नूं तैयार कीता। अल्लाह मास्टर केड़ा केड़ा मास्टर आया जिन्हां नूं पढ़ाउण वाला। अल्लाह फरमाते ने लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। साडा मास्टर सी पढ़ाउण वाला केड़ा जिहदा नाम है जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नसाब कुरान, पढ़न दी जगह बैतुल्लाह, पढ़ाण वाला रसूलुल्लाह। ते जदों फिर जमात तैयार हुई है ते अल्लाह ने डिग्री दे दीती उलाइक अल्लज़ीन इम्तहना अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज़रुन अज़ीम। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर सारे तेरे जानशीन साडे नज़दीक पास ने, ऐसी इन्हां सारिआं नूं जन्नत दे सरदार ते जन्नत दे सर्टिफिकेट ते जन्नत दे इन्हां नूं मालिक बना दित्ता। आओ जरा उन्हां हस्तियां दा थोड़ा जिहा तज़किरा करिए
मेरे बाप पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कौन मेरे बाप पैगंबर दे सहाबा ने जिन्ना दे दिन दे अंदर देखो ते अल्लाह दी इबादत जिन्ना दियां रातां देखो ते अल्लाह दी इबादत दे अंदर मुसल्लियां ते गुजर दिंदियां ने ते अल्लाह जुल जलाले वल इकराम फरमांदे ने ताता जाफा जुनूबुम अनिल मजाजिई यदुन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। किते अल्लाह जुल जलाले वल इकराम अपने पैगंबर दे सहाबा दा इस तरह जिक्र करदे ने अल्लाह जुल जलाले वल इकराम फरमांदे ने इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इदा ज़िक्रल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानं व हुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ए मेरे पैगंबर दे सहाबा दे नाल जिन्ना दा जिक्र अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने अपने कलाम दे अंदर बारहा मरतबा कीता देना कौन मेरे पैगंबर दे साहबा जिन्ना दी रात अल्लाह दी इबादत दे अंदर जिन्ना दा दिन मैदान दे अंदर जहाद दे अंदर गुजर जांदा सी ना जेड़े एक एक घड़ी दे अंदर अपने रब नु राजी करने दियां कोशिशां करदे देना। इस वास्ते मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अस्सहाबी कन झूम ओ दुनिया वाले लोगो मेरे साहबा ते आसमान दे सितारियां दे वांग देना इन्हां साहबा नु तंग कीता गया इन्हां नु सजावां दित्तियां गईयां इन्हां नु तपदियां अंगारियां ते लटाया गया इन्हां नु तपदियां अंगारियां ते रेता ते लटा दिता गया इन्हां दे पैरां दे अंदर रस्सियां पा के ते मक्के दियां संगलाक पहाड़ा दे उपर भी घसीटिया गया। सिर्फ इक्को ही वजह सी ना के आता कुतुलो न रजुलन अयकूला रब्बी अल्लाह ए सिर्फ ए कहंदे सी के आमना दिलाल दी गल मन्नो ना इन्हां नू ना ना मारो इन्हां नू तकलीफ ना दो ना क्योंकि अतकुलून रजुलन अयकूल रब्बी अल्लाह मैं किस पैगंबर दे सहाबी दा तज़करा करा देना जे किते वेखे ना तेनू बलाल तपदियां अंगारियां ते लेटिया नजर आवेगा ना किते वेखे ना ते खब्बा बिन अरत जिस्म तो कपड़ा उतारिया जेना ते अग दे अंगारियां ते खब्बा बिन अरत नू लटा दिता गया जे किते मेरे पैगंबर दे सहाबा नू वेखे ना ते आले यासर नू मक्के दे चौका दे अंदर लटा दिता गया जे ना किते मेरे पाप पैगंबर दी सुमैया नू देखो ना ओदे जिस्म दे अंदर नेजा मार के शहीद कर दिता गया जे ना किते सुनहरा नू देखो ते अखां नकालियां ते अल्लाह दे दीन दे वास्ते नकालियां जे ना ए कौन ने जिन्ना दे बारे अल्लाह फरमांदे ने उलाइक अल्लदीना नमतहनल्लाहु कुलूबहुम तक्वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। ए मेरे पाक पैगंबर दे साहबा जिन्ना तन मन धन आमना दे लाल दे उपरों नसार कर दिता देना जे इधरों आमना दे लाल जंग दा हुक्म देना ते साहबा सने कुनबाई तैयार हो जावे ना जंग दे वास्ते ते आमना दे नाल मुहब्बत किन्नी है अजमत किन्नी है प्यार किन्ना देना ते आमना दे लाल दे नाल मुहब्बत किन्नी है देना। ए मास ते मुहब्बत दो नौजवान है ना जद इना मक्के वालियां काफला तैयार कीता देना ते मदीने दे ऊपर चढ़ाई कर दीती है ना ते सैयदना मास ते मुहब्बत है इना दा नमाज है। एक बुखारी दी रिवायत दे अंदर दोनों दा नाम ही मास बयान कीता गया देना एक दा नाम मास बिन अमर बिन जमूज है दूसरे दा नाम माज बिन अमरे ना सही बुखारी दी रिवायत दे मुताबिक जना ए आमना दे लाल दे दोने छोटे छोटे साहबा दे छोटे छोटे साहबा जना ते जदों मैदाने बदर लग जांदा ही सन 2 हिजरी ते 17 रमजान है ना सूरज अपनी पूरी ताब ना की दे नाल तुलु होया जना ते ए दोने छोटे छोटे बच्चे सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ दे करीब आ जांदे ने ते अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला नो मेरे पाक पैगंबर दे मुहाजर साहबा
देना है। ते आके सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला नौ कह लगे चाचा जी सानू दसो ना इना आन वाले मक्कियां दे विच इना मुशरिकीन दे विच अबू जहल बेड़ा केड़ा जेड़ा है। ते सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला नौ कह लगे मैं दिल दे अंदर बैठा सोच रहा मां के छोटे छोटे बच्चे मेरे करीब खड़े जेना है अगर इना काफले ने हमला कर दिता जेना है ते दफा करने दे वास्ते मेरे करीब कोई नहीं आवेगा ना ते मैं जरा मुसलमाना दे लश्कर दे अंदर शामिल हो जावा जेना है। इनी गल सोच रहे ने ते एक छोटा बच्चा पल्लू पकड़दा दे बाजू पकड़दा जेना है कहन लगा चाचा जी सानू दसो ना के आजना दे विचो अबू जहल केड़ा जे मुशरिकीन दे विचो ते सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ कहंदे ने मैं पुछया भी तुसी की कहना अब्दुर्रहमान बिन औफ कहंदे ने मैं पुछया इन्हां बच्चियां नूं और तुसी की कहना भी अबू जहल नूं ते कहन लगे सानूं इह पता चलिया ही के अबू जहल मक्के दे अंदर साडे पाक पैगंबर नूं गालियां कढ़िया करदा सी छोटे जे बच्चियां दा इमाम फरमाया सानू यह पता चलिया कि जेड़ा अबू जहल सी ना यह मक्के दे अंदर साडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गालियां कढ़िया ना बर्दाश्त होया अबू जहल नूं कतल करता। बात तफसील दे अंदर मैं नहीं लैके जावांगा रूम दा वाकया जे ते जो रूम दे अंदर मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा गए उन्हां सहाबा नूं गाली दिंदे हो उन्हां दे ईमान ते शक करदे हो कि जिन्हां दे ईमान दे उपर अल्लाह ने थप्पे ला दिते ने जन्नत दे ते उन्हां दा ईमान किन्ना पुख्ता उन्हां दे ईमान दे अंदर अल्लाह ने पुख्तगी किन्नी कीती है। एक सहाबी दा नाम है सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा बिन कैस साहमी बैठे रहो सहाबी का नाम है अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस साहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उमर बिन अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत है ते सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस बिन साहमी नु इन्हां रूमियां ने गिरफ्तार कर लिया ये पकड़े हुए ने ते जिहड़ा कैसर सी ना रूम दा ये कहन लगा इह मुट्ठी भर मुजाहिद इह लखां दी फौज दे सामने इहनां दे कदम नहीं हिल रहे जरा इहनां दे कैदियां दे विचों दा कोई पकड़ के लियाओ ना मैं उहनां दा ईमान ते चैक करां कि उहनां दी ईमान दी बुनियाद की। ये गरीब साहबी है नाम है अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस साहमी सैयदना उमर बिन खत्ताब दा दौरे खिलाफत है ते अब्दुल्लाह बिन के हज़ाफ़ा नूं पेश कीता गया ओए उन्हां दे ईमान दीआं कीमतीआं पईआं बादशाहां दीआं शहज़ादियां मुल्कां दीआं मुल्क दी जमीन बादशाहत उन्हां दे ईमान दी कीमत पै गई लेकिन उन्हां दा ईमान दावां डोल ना होया। तेरे मेरे तरह पठिया दी पंड ते ईमान नहीं वेच दिंदे ते सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला नूं जदों सामने आ जांदे ने ए रूम दा कैसर जनाबे अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा नूं कहन लगा कि मैं अपनी अद्धी बादशाह दवांगा ते मेरी एक गल मन लै जरा बात नूं तवज्जो दे नाल सुनिया जे मैं अपनी अद्धी बादशाह दवांगा मेरी एक गल मन लै ते सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला नूं कहन लगे जी पेश करो तुहाडी केड़ी बात है ना ते कैसरे रूम कहन लगा फिर इस तरह करना मुहम्मद दा कलमा छड के ते ईसाईयत नूं कबूल कर लै मुहम्मद दा कलमा छड दे ते ईसाई बन जा ते मैं तेनू अद्धी बादशाहत नाज करांगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला कहन लगे मैनू नहीं मंजूर ते बादशाह कहन लगा पर इस तरह करना है अद्धी सल्तनत दे नाल मैं अपनी बेटी दा तेनू रिश्ता भी दवांगा ते ईसाईयत नू कबूल कर ले ते इस्लाम नू छोड़ देना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा कहंदे मैनू नहीं मंजूर जदों लालच ना आया दो ही चीजा जिना जा फिर लालच दे लो या फिर डरा लो जदों काम कढ़ाउणा होवे
मैं कुर्बान जावा आमना दे लाल दे साहबा दे कोलों ना जिन्ना दे बारे अल्लाह फरमांदे ने उलाई कल्लदी नम तहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तकवा लहुम मगफिरतुम अजरुम अजीम। देखना इना दिला दे अंदर अल्लाह दे डर तो सवा किसे दा डर नहीं देना। जदों बेटी दा रिश्ता भी पेश कीता गया अद्धी सल्तनत दी बादशाह भी पेश कीती गई ना ए पैगंबर दे सहाबी ने अपनी जुत्ती दी नोक दे ठुकरा दी जेना ते जदों कैसे रूम नूं यकीन आ गया कि पैसिया दे नाल सल्तनत दे नाल बरगलाया नहीं जावेगा ते अपने साथियों नूं कहन लगा इस तरह करो ना एक तेल दा कड़ाया गर्म करो ना तेल दा कड़ाया गर्म करो ना। ओए इन्हां लोकां दे बारे अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु तुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफु वला तहज़नु वअबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। ए इस्तक़ामत दे पहाड़ मेरे पैगंबर दे साहबा तेल दा कड़ाया गर्म कीता गया ते एक होर मेरे पैगंबर दे साहबी नूं पकड़ के लियाया गया। एक कैसरे रूम ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला नूं सामने खड़ा कर दिता देना ते दूसरे साहबी नूं उठवा के नूं तेल दे कड़ाए दे अंदर सुट दिता गया देना। रब्बे काबा दी कसम ए ज़रा तसव्वुर दे अंदर सोचो ना जदों जिस्म ते रोटी पकदिया होया इक तेल दी छींटी पै जावे ना तू अपनी बीवी नूं गालियां दिना दे अपनी बीवी नूं मारन लग पैना गे तेनूं पता नहीं चलदा जिस्म जला दिता देना। जिन्ना नूं तपदिया होया अंगारिया दिल लटाया गया तेल दिया कड़ाया दे अंदर सिटिया गया ते उन्हां नूं फिर अल्लाह ने डिग्रियां दे दित्तियां ना उलाइकल्लज़ीना तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ओए इन्हां दे दिलां दे अंदर ते है ही तकवा दे इन्हां दे दिलां दे अंदर ते है ही परहेज़गारी है ना। सामने अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा खड़ा दे दूसरा साहबी नूं कड़ाए दे अंदर सिर दिता गया दे ना वेखदियां वेखदियां मेरे पैगंबर दे साहबी दियां हड्डियां जुदा हो गईयां जिस्म तो बोझ जुदा हो गया। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह तेनू इस आयत की समझ आ जावे ना रब्बे काबा की कसम है दुनिया की सारी दौलत जुत्ती की नोक ते रख के अपने रब नू राजी करने की कोशिश करे क्योंकि अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तखाफु वला तहज़नु। इन्हां नू खौफ ही कोई नहीं हुंदा ना ही इन्हां नू कोई गम हुंदा देना। सामने एक सहाबी नू कड़ाए दे अंदर सिर दिता गया जे ते कैसरे रूम कहन लगाई अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा है देवी सलाम नू छोड़ देना ईसाईयत नू कबूल कर ले मैं तेनू छोड़ दवांगे ना। ते सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रोन लग पैंदे ने रोन लग पैंदे ने ते जिहड़ा कैसरे रूम ते मुस्कुरा पिया मुस्कुरा पिया देना कहिंदा शायद अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा ए जिहड़ा इस्लाम नू छोड़ देवेगा ए जिहड़ा ईसाईयत नू कबूल कर लवेगा ना। ते अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा नू कैसरे रूम पुछदा ही मेरी पेशकश तेनू मंजूर है ना। सैयद ना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा कहिंदे ना ना मैनू तेरी पेशकश कबूल कोई नहीं देना। कहन लगा फिर रो तू क्यों रिहा देना ते जिहड़ा जवाब दिता ही रब्बे काबा दी कसम है सोने दे पानी दे नाल लिखण दे काबिल है ना। ए पैगंबर दा साहबी जिन्हां नू अज गालियां दित्तियां जा रहियां जिन्हां नू अज बुरा भला कहा जा रहा है जिन्हां दे इमाम ते अज शक कीता जा रहा है ना ए मेरे पाक पैगंबर दा साहबी सैयद ना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा कहन लगे और रूम दे बादशाह दा सुन ले मैं ते इस वजह तो रो रहा जेना कि मेरे कोले एक ही जान है जेड़ी अल्लाह दे राह विच कुर्बान कर दित्ती जावेगी। मेरी तां रोने दी वजह कि मैं अब्दुल्लाह दे कोले हजार जाना भी होंदियां मैं एक एक करके अल्लाह दी राह विच कुर्बान कर दिंदा लेकिन कदे मुहम्मद दा साथ ना छड़दा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जदों ईमान दी पुख्तगी देखी कि बेटी दा रिश्ता दित्ता अब्दुल्लाह ना मन्निया जदों अद्धी सल्तनत दी ऑफर कीती सैयदना अब्दुल्लाह ना मन्ने जदों डराया सामने मंजर कशी कीती कि एवें तेल दे कड़ाह विच सिट के जला देवांगे तेरे जिस्म दा गोश्त ते हड्डियां जुदा हो जाणगियां फिर भी ना मन्ने जदों कैसरे रूम ए बात यकीन हो गई पता चल गया कि मुहम्मद दा साथी है मर
मरने पे मर जाएगा लेकिन इस्लाम नु नहीं छटेगा। कहन लगा फिर इदा कर तेनू अपने साथी अजीज ने। कहन लगा हा उन्होंने कह तो छुड़ाना चाहना। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा कहते छुड़ाना चाहना। ते कैसरे रूम कहन लगा फिर इस तरह कर मेरे सिर का बोसा ले मेरे सिर नु चुम। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा दिल नहीं मानता लेकिन सामने मुसलमान कैदी नजर आ रहे ने उठिया ते कैसरे रूम दा सिर चुम ले। वादे के मुताबिक कैदी छाड़ दिते गए ते जदों ये पहुंचे ने सैयदना अब्दुल्ला सैयदना उमर बिन खत्ताब दे अदालत दे अंदर जदों मदीने पहुंचदे ने ना ते लोगां ने दसिया जे कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा दे नाल आ वाकिया पेश आया जे ना ते सैयदना उमर बिन खत्ताब दीआं अखां दे अंदरों आंसू आ गए ने। जिन्ने मस्जिद नबवी दे अंदर मौजूद ने सारिआं नूं हुकम दिंदे ने कि उठो उठ के अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा दे सर नूं बोसा दे दो। उठो तो उठ के अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा दे सर नूं बोसा। ये लोग ने उलाइक अल्लज़ीन अम्तहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तक्वा जिन्ना दे दिल परोने अल्लाह ने ते जिदे विचों निकलिया तकवा परहेजगारी लिल्लाहियत खशियत इलाही अल्लाह दा खौफ ईमान दी पुख्तगी और जहन्नम दा डर ते जन्नत दी तमा इन्हां तो सवा इन्हां लोगां नूं कोई भी नहीं हला। एक होर गल सुन लो नाम है खुबैब इन्हां मक्के वालियां गिरफ्तार कर लिया मेरे पैगंबर दे सहाबी नूं ते मक्के च ऐलान कर दिता भी जिसने भी बदला लेना होवे मुहम्मद दे साफी कोलो फला दिन फला चौक दे अंदर उन्हें फाहे ते लटाया चढ़ाया जावेगा सूली ते लटाया जावेगा ते आके अपना बदला ले। पहला पेशकशां कीतियां गईयां पहला क्या हुआ अपना बैब छड़ दे मुहम्मद दा साफी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किस्सा मुकसा जदो सूली दे तड़ा दिता जांदा जे ना कौन मेरे पैगंबर दा सहाबी कि सैफुल मलूक दी कहानी नहीं सुना रहे जे दिल करे ना ते जादुल मुराद इब्ने कय्यम दी उठा के देख लिया जे दिल करे ना मंसूर पूरी दी रहमतुल्लिल आलमीन उठा के देख लिया जे दिल करे ना सफीउर रहमान मुबारक पूरी दी रहीकुल मखदूम उठा के देख लिया जे के पैगंबर दे सहाबा ने किवें अपनियां जानां ते रसूल दी अजमत ते पेश कर दित्तियां लेकिन आका दी इज्जत ते हरफ ना आन दित्ता तख्ते ते लटा लिया सूरी ते जदों चढ़ा लिया गया जे मेरे बाप पैगंबर दा सहाबी ते पता की करदे मक्के वाले जे किसे दे कोले तलवार ते तलवार दियां नोकां च बारिया जिस्म दे अंदर नाले कह रहे मजा आ रिहा इस्लाम हुण ते तू कहिंदा होवेगा भी काश के सलाम कबूल ना करदा जे किसे दे कोले नेजा ते नेजे ना चीर दे जे किसे दे कोले तलवार ते तलवार जिस्म दे अंदर चबोरे आ जा एक बदबخت उठिया कहन लगा तेरे मैं छड़ाउण दी गारंटी दिना वा के मक्के वालियां को तेनू रहा कर दवांगा एक मेरी गल मान वो गल केड़ी चल इना ही कह दे के आज मेरी जगह ते मैं नहीं बल्कि आमना दा लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पता की जवाब सैयदना अब्दुल्लाह सैयदना खुबैब रजी अल्लाह तआला नु कहन लगे ओए मक्के वाले सुन लो ना तुसी कहंदे हो कि मैं एक गल कह दवा कि अज सूली दे तख्ते ते मैं नहीं बल्कि आमना दा लाल हुंदा देना है। ओए मक्के वाले मुश्को सुन लो ना रब्बे काबा दी कसम है असी ता चाहनिया के आमना दे लाल दे पैर दे अंदर एक कंडे जिन्नी भी तकलीफ ना होवे एक कंडा भी ना जदो सूली ते चढ़ाया गया लोग ने जिन्हों सिर्फ अल्लाह का डर है अल्लाह की जात तो सवा कोई डर नहीं ना आसमाना की तरफे मेरे पाप पैगंबर का साहब भी चेहरा उठा
उठा दे ते उठा के गंदा अरशां वालियां मेरे अज कतल दी इतला मेरे पैगंबर नु मदीने भजा देवी ना अज मेरे कतल दी इतला मेरे पैगंबर नु मदीने चढ़ा देवी ना एत्रो जिब्रील नु हुक्म हुंदा देना ते जिब्रील मिंट मिंट दियां खबरां मेरे पाप पैगंबर नु पहुंचा रहे देना कीते गंदा अल्लाह दे नबी जी हुन खुबैब सूली ते चढ़ा लिया हुन खुबैब दा बाज़ू काढ़ दित्ता गया हुन खुबैब दे नाखून खैं दित्ते गए ना हुन खुबैब दियां उंगलां काढ़ दित्तियां गईयां देना ते मौलाना ने बड़ी प्यारी तर्जमानी कीती है ते सैयदना खुबैब कहंदे जा सबा जा पंज मदीने ते देवी सुनेगा मेरा मक्के वाले असूली दिता ते यार खुबैब जो तेरा ते इस गल थी पाए लाम जो तेरे संग लाइया क्यों कर हा एक खुदा पुछेंदा एक सूर खताइया इन लदीना कालू रब्बुन अल्लाह ओ क्या देना उलाई कल दीनम तहन अल्लाह गुलूबवम लित्तकवा रब्बे काबा दी कसम है मेरे पैगंबर दे साबा अपनिया जाना मेरे पैगंबर दे लुटा देन वाले अपना तन ते मन तन मेरे पैगंबर दे लुटा देन वाले जड़ा गजवाए बदर दा मंजर भी किते तारीख दी किताब उठा के वेख लेना किते किताब उठा के वेख लेना जदों इहदे ते जिहड़ी अफवाह फैलाई जांदी है कि आमना दिलाल शहीद कर दित्ते गए ने साहबा दे उसान खदा हो जांदे जे ना ते जदों पता चलिया कि आमना दिलाल शहीद नहीं एक गजवाए ओहद दा मैदान है ना ते साहबा दौड़ दौड़ के मेरे पैगंबर दे कोले आंदे जे ना इन्ना मक्कियां ने मेरे पाप पैगंबर नु घेरिया होया जे ना नौ साहबा मेरे पाप पैगंबर दे करीब जे ना नौ साहबा मेरे पाक पैगंबर दे करीब जे ना जिन्ना दे विचों चार अंसारी ने ते पांच मेरे पैगंबर दे कोले महाजर साहबा जे ना इन्ना साहबा दे विचों एक दा नाम अम्मार भी मौजूद जे ना एक दा नाम अम्मार भी मौजूद जे ना ते सैयदना अम्मार मेरे पाप पैगंबर दे सामने खड़े ने बड़ी जान सारी दे नाल लड़दे ने ते आका फरमांदे ने अज जेड़ा चला गया जन्नत अंदर जावेगा अज जेड़ा शहीद हो गया जन्नत दे अंदर चल जावेगा ना ते लड़दियां लड़दियां मेरे पाप पैगंबर दा हिसाब भी अम्मारे ना जदों जिस्म दी कोई भी जगह नहीं जिथे जख्म ना आया होवे तलवार दा जख्म नेजे दा जख्म ए खंजर दा जख्म ना आया होवे ना ते जदों आखरी सांस मौजूद ने अपने जिस्म नु खींच के ले आके घसीट घसीट के आमना दे नाल दे कदम ते कदमा ते रख दिंदा देना ते चेहरा आमना दे लाल दे बाले ना ते आका अले मुसलात व सलाम पुछदे ने ए अम्मार तेरी आखरी ख्वाहिश की है ना कहन लगे अल्लाह दे नबी जी इस तो बड़ी की ख्वाहिश है ना के तुहाडियां ही कदमां दे अंदर मेरी जान निकल जावे तुहाडियां ही कदमां दे अंदर मेरे जिस्म नु काट दित्ता जावे तुहाडियां ही कदमां दे अंदर मेरी जान निकल जावे नाना कहंदे गुलस्तान में जाकर मैंने हर गुल को देखा ना तेरी सिरे नबी दा साहबी है ते आखरी सामा चल रहीयां ने ते जिस्म दा कोई हिस्सा मौजूद नहीं जिथों खून ना निकलदा होवे ते नजरां मेरे पाप पैगंबर दी तरफे कीतियां देना ते अहले दिल ने तर्जमानी की दी है ना कहंदे गुलस्तान में जाकर मैंने हर गुल को देखा ना तेरी सी रंगत ना तेरी सी बू है निकल जाए जाते कदमों के नीचे यही दिल की हसरत यही आरज़ू है ए ओ लोग ने उलाई कल दीनम दहन अल्लाह कुलूब गुमली तकवा जिन्ना दा इम्तिहान रब ने लिया दे वेखना इम्तिहान कि मैंने इन्ना मक्कियां मेरे पाप पैगंबर नु घेर लिया मुशरकीन ने मेरे पाप पैगंबर नु घेर लिया गजवाए ओह देना ते सैयदना तलहा रजी अल्लाह तआला नु मेरे पाप पैगंबर दे सामने शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हो जांदे ने ते कदे हाथ ते तीर रोकदे ने कदे खब्बे हाथ
ਦੇ ਤੀਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁਲ ਤਲਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਕਮਰ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਸੈਯਦਨਾ ਤਲਹਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਦਾ ਕਾ ਉਮੀ ਵਾ ਅਬੀ ਯਾ ਅਬਾ ਤਲਹਾ ਫਦਾ ਕਾ ਉਮੀ ਯਾ ਅਬੀ ਐ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਹਿਲੋ ਯਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜੰਗੇ ਤੂੰ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਲੈਨੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਤਲਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਛਲ ਛਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੀਰ ਆਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਕ ਇਧਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵੇ ਏਸੀ ਮੁਹਿੱਬੇ ਸਿਆਬਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਾ ਉਹ ਗੋ ਹੱਸ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭੂੰਡ ਮੱਖੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਹਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਵੀਰ ਇਲਾਮ ਮੁਬਾਲਾ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 12 ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਹਬੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਸਫੀਨਾ ਤੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਯਦਨਾ ਸਫੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਕਵੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਨਾ ਅਸਹਾਬੁ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਕਾ ਦਾ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਰਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੀਅਰ ਇਲਾਮ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁੰਮ ਵੀ ਚੁਕਾ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਚੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਸਫੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਲੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦਾਮਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੀ ਦਾ ਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਕਰਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਯਮਾ ਯਸੀਫੂਨ ਵਸਲਾਮ ਅਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।